हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का। मैं यूपी से सीखा आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं अपने वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल सी होने वाली है, क्योंकि खराब सामानों से नया सामान बनाना आज बताएंगे अपने ब्लॉग में। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने ब्लॉग में कुछ नया ही आप लोगों के लिए ला सकें। तो हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पर न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज हमने क्या बनाया है और क्या न्यू लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज तो बेकार सामान से हमने न्यू लुक दिया है उसको, तो वही दिखाएंगे। और एक मिरर है, मिरर को हमने रीयूज किया है, न्यू लुक में कन्वर्ट किया है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं आज का बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ब्लॉग। ये बहुत ही पुराना मिरर है फ्रेंड्स, तो ये ना बहुत ही, इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है और काफ़ी कई सालों का ये ओल्ड है। तो ओल्ड इज गोल्ड इसको बनाएंगे अभी, देखिएगा। तो इसको ना साफ कर दे रहे हैं, जो इस पर फेविक्विक या फेविबॉन्ड जो भी लगता है, जो इस पर लगा हुआ है गंदा हुआ हुआ, उसको हम हटा देंगे। और इस तरह से ये हमने साफ कर लिया है, आप देख पा रहे हो ये चमक गया है। तो और इसमें ना सेल लगे हुए थे, जिस तरह से दिखाती हूँ मैं ऐसे ही सेल और कौड़ियों की तरह इस तरह से लगे हुए थे। तो मैंने ये सब शंख की तरह ये है, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था जब न्यू था ये। काफ़ी मैंने इसमें बदलाव भी किया था पहले भी, तो इसको मैं हटाना नहीं चाहती हूँ घर में से, क्योंकि ये अच्छा लगता है। और एक बार इसका मिरर भी टूट गया था, तो मैंने मार्केट से लाके मिरर भी इसमें लगा दिया था। इसमें इसी तरह से कटवा के मैंने मिरर लाके और इसको इस तरह से लुक दिया था। तो फिर इस बार ये खराब हो गया है, तो पेस्टिंग होता है ना, ख़राब हो जाती हैं जो ऐसी चीज़ें होती हैं पेस्टिंग वाली, तो काफ़ी पुरानी हो जाती है ना, तो वो ज़रूर ही ख़राब हो जाती हैं। और हम उसको क्या करते हैं ना, कबाड़े को दे देते हैं, उसको कबाड़े में डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो वो इस तरह से हम बना के इसको तैयार कर लेंगे कि ये नया लुक देगा और एकदम न्यू हो जाएगा, और वो चीज़ें ना और भी अच्छी लगने लगती हैं बनने के बाद, जब अपने हाथों से अपने घर में बना के हम रेडी करते हैं तो एकदम अच्छा लगता है। ये फेविबॉन्ड है जो आराम से चिपक जाता है इससे, और ग्लू गन नहीं है, तो ये फेविबॉन्ड उसका काम कर देता है, जो चाहे जैसा भी हो हार्ड हो जाता है, चिपक जाता है अच्छे से। तो इस तरह से फेविकोल से नहीं चिपकेगा, ये फेविकोल से निकल जाएगा, क्योंकि सेल है थोड़ा, ये वो होता है भारी होता है। तो ये फेविबॉन्ड है, कोई भी चीज़ें होती हैं चिपक जाती हैं अच्छे से, जैसे कोई हार्ड चीज़ें चिपकानी हो। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से लगाना है। ये 20 रुपये का पैकेज आता है, 50 का आता है, 10 का भी आता है, आप चाहे जो जितना भी काम हो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ 20 वाला लिया है, और ये कम भी पड़ गया था, आगे चल के भी देखेगा छोटा वाला भी मंगाए हैं 10 का, तब जाके ये पूरा हुआ। लेकिन ज़्यादा खर्चा हमने इस पर नहीं किया है, इस मिरर पर मैंने बहुत ही कम खर्चे किए हैं, और हमको लग रहा है हम 50 रुपये के अंदर इसको हमने न्यू लुक दे दिया है। 50 रुपये से ज़्यादा हमने इस पर खर्चा नहीं किया है। तो यहाँ पे फेविकोल भी हमने थोड़ा सा डाला है, ये है पुट्टी, बाल पुट्टी होता है ना जो दीवारों में लगता है, उसको लिए हैं एक कटोरी, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है। और इसमें हमने 2 से 3 चम्मच फेविकोल डाला है, और इसको ना इस तरह से आटे की तरह इसको गूँथ लेंगे, थोड़ा हार्ड ही गूँथेंगे ताकि अच्छे से डो बन सके। तो इस तरह से हम स्पून की मदद से पहले गूंथेंगे, उसके बाद फिर हाथों में भी लग सकता है, लगा सकते हैं आराम से। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हमको हार्ड ही गूंथना है, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं, पूरी के आटे जैसे हार्ड लगाना है, रोटी के जैसे नहीं। और इसको अच्छे से ना जब गूंथ लेंगे, तो चाहे जिस शेप का हम बनाएंगे, कुछ भी शेप देंगे, आप अपने मनचाहे शेप दे सकती हैं, ऐसा नहीं है मेरा ही देख के दीजिए, आप अपने मनचाहे शेप का, अगर जो आप आर्ट में कुछ है आपके अंदर हुनर है, कुछ ऐसा आर्ट बना लेती हैं, अच्छा आर्ट है, तो आप अपने हिसाब से भी दे सकती हैं, कोई भी डिजाइन शेप कर सकती हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सा ही किए हैं, ताकि सब बना सकेगा, जो आप चाहे तो घर में भी ऐसे मिरर लाके, और आप इस तरह से सामान अगर जो आपके मार्केट में मिलता है या फिर आपके घर में ख़राब चीज़ें हैं पड़ी हुई हैं, तो उसको न्यू लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लंबे लंबे से इस तरह से कर लिए हैं हाथों से ही, थोड़ा सा ले लेके, और फेविबॉन्ड लगा के ना फिर इसको चिपकाते चलेंगे। और किनारे से देखिए इस तरह से एक लेयर हमने बना दिया है, किनारे जो शीशे के किनारे नहीं दिखते हैं वो कटिंग नहीं दिखेगा,
शीशे उसको कवर कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम बीच बीच में भी इस तरह से करेंगे और लीफ का शेप देंगे इस तरह से इस करके, और एक राउंड का रखें पहले, इसका नहीं सही बैठ रहा था तो हम यहाँ पे एक पत्तियों का शेप दे दिए हैं थोड़ा सा लंबा करके, और इस तरह से हथेलियों पर थोड़ा सा इस तरह से करके दबा के, और इसको ना इस तरह से करके हम बीच में रखेंगे जब, तो अच्छा लगेगा उभरा उभरा सा। और इस तरह से डिजाइन देते हुए हम, आप अपने मनचाहे शेप में डिजाइन दे सकते हैं, लेकिन हमने जो दिया है उसको मैं बता रही हूँ, इस तरह से हमने दे दिया है शेप। और अगर जो कुछ चीज़ें ना खराब पड़ी हैं घर में तो उसको न्यू लुक देके, और आप घर में जब रखते हो ना तो वो बार बार आपको अट्रैक्टिव करती हैं, अच्छा लगता है देखने में, बार बार निगाहें जाती हैं उस पर तो लगता है हमने कुछ किया है, अच्छा बनाया है, इस तरह से होता है, और वो खुशी ना अलग लेवल की होती है। तो इस तरह मैंने सारे में लगा दिया है। पूरे में लगाने के बाद फिर मिरर के अंदर लगाएंगे थोड़ा सा, एक लेयर राउंड राउंड सा बना के अंदर भी रखेंगे। तो पहले इसको हम बाहर से पूरा लगा लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर लगाते हैं। और हमने यहाँ पे कलर कुछ नहीं किया, वाइट ही रखा है ताकि ये अच्छा लगे, और अगर जो गंदा लगेगा साल दो साल में ये गंदा होगा तो हम कलर भी कर देंगे, फिर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, ब्लॉग में आप लोग तो बने ही रहेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने लगा दिया है, और बीच में भी मैंने इस तरह से राउंड राउंड करके फेविबॉन्ड रखा है थोड़ा थोड़ा सा, उसके ऊपर इसको रख के, और यहाँ पे ना ऐसे एक पेन का ढक्कन ले लीजिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें ले लीजिए राउंड से, कि उस पर ऐसे इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से है, ये मैंने होम्योपैथी जो शीशी आती है दवा की उससे किए हैं। तो इस तरह से कुछ भी मिल जाता है घर में जिससे प्रेस करने पे थोड़ा सा उभरा उभरा सा लगे। ये देखिए डिजाइन अच्छी सी बन गई है। तो और नाइफ से ना यहाँ पे पत्तियों का शेप हम दे देंगे थोड़ा सा, हाँ इस तरह से, तो प्रेस करते हुए एक लाइन सी बनाएंगे ना तो वो लीफ का शेप आएगा, बड़ा ही सुंदर सा दिखेगा सूखने के बाद। तो इस तरह से हम सब पे इस तरह से करते चलेंगे और बड़ा ही अच्छा लुक ये बन के रेडी होगा। और यहाँ पे ना मिरर मैंने मंगाया है, मिरर भी मेरा महंगा नहीं है, 10 से 15 रुपए का आपको मिरर लग जाएगा इसमें। तो यहाँ ढेर सारे मिरर मैंने 10-15 रुपए में मंगाया है, और इसमें थोड़ा सा फेविबॉन्ड कम हो गया था तो उसको भी मंगा लिया 10 वाला, और यहाँ पे लगाते चलेंगे तो मिरर, और इसके ऊपर जब प्रेस करेंगे ना तो बड़ा ही अच्छा सा चमक आएगा, एक अच्छा सा लुक रेडी हो जाएगा, अच्छा सा क्रिएट करेगा। तो बड़ा ही मस्त ये बना है। तो आप लोग भी इस तरह से बेकार चीज़ों से बना सकते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसको हम साफ करेंगे तो बड़ा ही अच्छा लुक देगा ये जहाँ भी रखेंगे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि हो सकता है हमारी यूज की ना हो तो किसी और की यूज की हो जाए। तो इसलिए और सस्ते सामानों से महंगी चीज़ें बनाना हमेशा सिखाती हूँ मैं अच्छा से अच्छा। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।